सच्चाई कोई गुरु नहीं बताता, और अगर बताए भी तो हम लोग उसको सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमागों में दुनिया बसी हुई है। ये दुनिया में जो कुछ तुमको या मुझको मिलता है, ये हमारे कर्म हैं, जो तुमने किए हुए हैं उनका फल तुमको मिलता है। कोई गुरु तुमको नहीं देता, तुम भूल में हो। मेरे संपर्क में कम से कम 300 औरत आई, 300। उनका विश्वास था उनके कर्म से उनके लड़के और बच्चे हुए। 3 औरतें तो ऐसी आई जिनको 50-50 साल की उम्र थी और उनको बचपन से माहवारी नहीं आई। उनका विश्वास था उनके कर्म से। मेरी लड़की या 20 साल हो गए शादी किए हुए को, मैंने कई दफा उसको प्रसाद दिया, उसको बच्चा नहीं हुआ। आखिर पी आई जी जो चंडीगढ़ बड़ा अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर मेरे उनको वहाँ भेजा, 6 महीने टेस्ट किया, लिख दिए उसके लिए इंजेक्शन यहाँ मिलते हैं। मैंने अमेरिका से इंजेक्शन मंगवा के लिए, अगर मैं ही दे सकता होता। तुमको जो कुछ मिलता है तुम्हारा विश्वास है। देखियो क्यों अपने आप को विलीन करती हो इन संतों और महात्माओं के सामने जाकर, क्यों? हमको अज्ञान में रखकर इन मध्य वालों ने, इन पंथ वालों ने और इन गुरुओं ने हमको अज्ञान में रखकर बेवकूफ बना के लूटा है। ये बिल्कुल 16 आने सच्ची बात। मैं आपको अपनी बाबत बताता हूं कि मैं कहीं नहीं जाता। अमेरिका में मेरा रूप प्रकट होता है, इंदौर में
ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं, मैं लिखता रहता हूँ अपनी किताबों में कि मेरे पांव से मिट्टी निकली, मैं नहीं जाता आग लगे गुरुवाई को। मैं अगर आज झूठ बोलता हूँ और गुरु बन के तुम लोगों से धोखा दे करके तुम लोगों से पैसा ले जाता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? आज मैं तुम्हारे लोगों के साथ 420 करके तुमको अपने गलत तरीके से अपने पीछे लगाता हूँ, तुमको अंधेरे में रखता हूँ, मैं मुजरम हूँ। अगर जो कुछ मेरे साथ बीता, अगर सब गुरुओं के साथ यही बीता तो तुम ये कहते हो कि स्वर्ग में गए, नर्क में वहां सात लोग गए होंगे, कोई नहीं गया होगा। कर्म के फल से कोई बड़ी नहीं। कहीं कहते हैं कि हमारे अंदर बाबा सावन सिंह फल हो गए, कोई कहता मेरे अंदर राम आया। अरे भाई, अगर सचमुच वो ही आए हैं तो इसका ये मतलब है कि दाता दयाल हो या कोई हो या स्वामी जी हो तुम्हारे अंदर प्रकट हुए, इसका यह मतलब हुआ कि वो मर कर भूत हुए हुए हैं, लोगों के अंदर प्रकट होते हैं, उनको साथ लोग नहीं मिला। ऐसे रूप जो तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं तुम उसके पागल हो गए। तुमको क्या कहूं, मैं सारी जिंदगी पागल रहा, मैं मेरा दृष्टि था दाता ने इतना मैंने प्रेम किया, यही कहते थे तू काल माया से नहीं निकला। मैंने कहा मारा कैसे निकलूंगा, मेरा हुक्म मानता था। इतनी साफ बयानी करने का पहले दस्तूर नहीं था, इसको मैं जानता हूं। सहन बहन में सब ने कहा, ऋषियों ने भी, बाबा सामने जी ने भी, सारा रिकॉर्ड खराब कर दिए तुम लोगों, सब ने इशारा कहा, सब नहीं कहा। मैं हूं वक्त का संत, संत सदगुरु, अनामी धाम से इसी वास्ते आया। मैं ही नहीं आया अनामी धाम से, तुम सब नामी धाम से आए हुए हो। मुझको बताया गया, तुमको पता नहीं, मगर मैं अभी तक वहां ठहर नहीं सकता। रास्ता जानता हूं, मगर वहां ठहर क्यों नहीं जा सकता, ये मेरे कर्म, ये मेरे बस के। तभी तो कहता हूं जिस पर दया आज करता की वो जन्यावत प्राय। मैं तो बेची हूं अपने कर्मों का मारा हुआ इस बुढ़ापे में ये काम करता, खेचा जा रहा हूं, घीचा जा रहा हूं, कुछ न कुछ ये काम लेना था मेरे से, मैंने कर दिया। तो आप लोग मेरे पास आते हैं, आप लोग आ जाते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि अज्ञान में मत आओ। गुरु नाम है ज्ञान का सम। अब तो सारे गुरु बदलने शुरू हो गए, अब तो बाबा चरण सिंह भी कहने का भाई मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है तुम्हारे अपने पास है। अब तो सब कहने लगे, अगर मैं गलत होता, 36 साल हो गए मुझे काम करने को, कोई तो मेरी मुखालफत करता कि मैं गलत कहता हूं। मैं गलत नहीं कहता, क्यों मैं आए ही सब निकाले, हम आए 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 हैं, तुम करता उतना करो। इतना ख्याल रखो कि तुम्हारा अंत समय में किसी भी अस्थूल चीज के साथ प्यार ना हो, फिर तुम्हारा इस पर तुम कभी भी, आपको पता नहीं कि कल युग है कि आगे क्या होता था। तुम बस आग लगाते थे, जीरो बांधते थे लाट, अब क्या है, एक बटन दबा दो सारा शायद बिजली चल जाएगा। ऐसे ही मुक्ति के लिए कल युग में देवता तरसते हैं इंसानी रूप में आने के लिए। ये काम बिल्कुल आसान है, मुक्ति कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ करना क्या है कि मरने से पहले तुम्हारा कोई मोहब्बत किसी अछूल चीज से नहीं होनी चाहिए, बस, ताकि तुम्हारा शरीर जो निकलेगा वज्री ना हो। जब वज्री नहीं होगा तो जमीन खींच ही नहीं सकती, तुम जहां आ ही नहीं सकती, करने की जरूरत ही नहीं। गुरु मिले तब क्या कमाना हो, गुरु के मैंने हैं ज्ञान के, जिसको सच्ची बात की समझ आ गई उसको कमाई की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अभ्यास समझ ध्यान इस बात की याद है कि तुम्हारा मन चंचल है, ये ठहरता नहीं। इस वास्ते से मन की चंचलता की वजह से, और मन चंचल किसका होता है, जिनका विषय विकार ज्यादा होता है। आज की लड़के लड़कियां स्कूलों में क्या करते हैं देखो तो सही, अपनी अपनी जिंदगी को देखो, क्या कुछ हमने किया हुआ है। मैं भी बड़ी नहीं,
छोटी उम्र में 13 साल की उम्र में शादी होगी, 16 साल की उम्र में व्यास में फंसा, तो भी अशांति तो मैंने होना ही था। जिस वास्ते मैं जोर देता हूँ आप लोगों पर, बच्चों पर, तुम आए हो यहाँ परमात्म स्वार्थ है, अपने बच्चों के चार चरण का ख्याल रखो, अपनी लड़कियों के चार चरण का ख्याल रखो, ताकि उनका भ्रम नष्ट न हो, गंदे नावल न पड़े। आजकल तो टेलीविजन ने और सिनेमा ने इंसान की जिंदगी खराब कर दी। पिछले जमाने में 25 साल गुरुकुल में ही वास्ते भेजते थे, आजकल क्या है करो, क्या है? हम आए तुमको दुखी देख आँखों से, मन में दया रूप धर प्रगट जग में, दया यहाँ ले आई हमें, आए 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 सूरज दया लाभ स्वार्थ करें परीति, हम में नहीं है स्वार्थ किंचित, लख लख करो परतीति, हमें आए 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 हैं। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि मुझको पूछोगे तुम्हें कुछ मिल जाएगा, मेरी बात को सुनो और समझो और गुणों पर अमल करो, यही सच्ची गुरु भक्ति है। पैसा देना, सेवा करनी, ये इखलाक है हमारा, ये दुनिया की बातें हैं। मैं किसी आप मेरे घर आएंगे, जितनी मेरी शक्ति होगी आपकी सेवा करूंगा, ये हमारा इखलाक है। मगर इस इखलाक के अगर मेरा मानता मंदिर तुम 10,000-50,000 रुपया बना दोगे तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है, यही धोखा है। सबने अपने अपने मतलब की ये कोई ना कोई बात बनाई, बस आगे। उदरन मित करें सब भेसा, जोगी जति उदासी, मांगे भी ज्ञान की गम नहीं तुम्हें उनके विश्वास। तुम उनके विश्वास कहते हो तो मैं सब बात दिखाती, हाँ नाम ले जाओ हम तुमको सात लोग ले जाएंगे। इस अनर्थ का कहीं है ठिकाना? मैं अगर वर्ष कहता हूँ कोई दूसरा महात्मा कहे वो ले जाता है। मुझे याद है जब एक जब बाबा सावन सिंह का चोरा छूटा तो संत कृपा सिंह ने एक किताब लिखी, अपने आप को सदगुरु मशहूर किया। कोई गांव था उसका कोई मिस्त्री था, वो बेचारा शशोपन में पड़ गया कि भाई हम कहाँ जाएं, कृपा सिंह के पास जाएं या बाबा जगत सिंह के पास जाएं। उन्हें गांव में दिख गया 2-4 मंत्री नौजवान था, उनका चलो हम फैसला करा देते हैं, हम फैसला करा देते हैं। वो 5-10 आदमी का क्षेत्र है बाबा जगत सिंह को, एक मुंडे ने जान के रो के खंड पानी कट के किया, महाराज परसों मेरा प्यो मर गया है, उन्हें दस्या नहीं कौन लैंड वास्ते आया, तो सब दूरी संभाल ली है। तो बाबा जगत सिंह कि हाँ भाई सतगुरु ने वो दूरी संभाल ली। और बाप धंधा था, अब वो मुंडे तो हंस के चले गए, इसको भिक्षा पड़ गई, मैं किधर जाए, सावन आश्रम गया, स्वामी बाग गया, जैल बाग गया, किसी ने क्या मेरा 2 साल मेरा सत्संग पहले मुझे चले गए। एक दिनों 2 सेट बकरी खान ले आके कारखाने में कम उठे ले आया,
मैं कहा तो गुरु बाद में खंड क्यों ले आई, उनके महाराज मेरे पास है कुछ नहीं, 500 रुपया थी ऐसे हुई मेरे नाल, वो 500 रुपया मैंने बर्बाद कर देता से, तुम्हारा सत्संग सुनी मेरी गाय समझ आ गई। गुरु की सेवा है क्या, तुम लोग भूल में हो। अब जो तुम बैठ के मेरी बात को सुन रहे हो, सुन के विचार करो, गुरु अगर अच्छी लगती है उस पर अमल करो, इस बात का नाम गुरु सेवा है। बाकी जो गुरु सेवा मंदिर वगैरह की है, ये पब्लिक की सेवा है, जहाँ 4 आदमी इकट्ठे होते हैं वहाँ लाउड स्पीकर की भी जरूरत होती है, मकान की भी जरूरत होती है, अन्न पानी उसका कोई पहले प्रमाण के साथ नहीं है। ये दुनियावी व्यवहार है, करना चाहिए, ये नहीं मेरे मंदिर में नहीं करते। विसाखी आती है, लाउड स्पीकर रख दिया, टेंट रख दिया, सब कुछ रुपया देते। मगर अगर ये कहूँ, मैं कहूँ कि हाँ भाई तुम मेरा आज विसाखी का ये कर दो, तुम सब लोग पहुँच जाओगे, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है और पखंड है, धोखा है। इस धोखे को दूर करने के लिए मैं संसार में आया। वो किसी आदमी ने कपाल संग है वहाँ मेरे बाबा पूछा तो वहाँ जवाब निकला कि ये शख्स आया नहीं अपने कर्म से, इसको भेजा गया है किसी खास मिशन के लिए। तो मैं खास मिशन के लिए आया हूँ, किन के लिए, तुम गृहस्थियों के लिए, तुम लोग जो गृहस्थी हो तुम के लिए आया हूँ, ताकि तुम बात को समझो और अपना जन्म बनाओ। किसी ने ये करते फिरते को मंदिर में जाके ये करता फिरता को हर द्वार ठाकुर द्वारे जाके ये कर कोई गुरु का बात को समझो और अपने जीवन को बनाओ, और क्या करना है आगे। धरनी में धरे सब भेसा जोगे जते उदासी, मांगे भेक ज्ञान की गम नहीं तुम्हें उनके विश्वासे, भूल भरम तज कर सतसंग तरिए की आंख खुलाओ, राधा स्वामी रूप निरख कर दया से काज बनाओ। राधा स्वामी के रूप क्या है, तुम समझो रीजन के रूप रहे स्वामी है, या स्वामी जी का रूप रहे स्वामी है, या बाबा सावन सिंह का रूप रहे स्वामी है, तुम भूल गए हो। तुम्हारा अपना रूप रहा स्वामी है, तुम खुद रहा स्वामी हो। राधा सुरत है, स्वामी शब्द है, अपने अंतर में सुरत से शब्द को पकड़ो। अच्छा, मगर ये पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ नहीं सकते, क्यों नहीं पकड़ सकते, एक सवाल यही एक झगड़ा और तुम बात पूछे, मन ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता, दुनिया की आशाएं। तो ये मार्ग उनके लिए है सिर्फ जो परमार्थ चाहते हैं, आम दुनिया के लिए ये संतमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं नाम नहीं देता किसी को, 1982 के बाद मैंने किसी को नाम नहीं दिया, तो सत्संग कराता हूं, हर एक आदमी अपने अपने बात के। क्यों, जब तुम इकट्ठा करोगे मन को यहां एकुटी में, जो कुछ तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में इच्छाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। अगर बुरी बात सोचोगे तो ज्यादा बुराई हो जाएगी, अगर कामी हो तो ज्यादा कामी हो जाओगे, अगर लोभी है तो ज्यादा लोभी हो जाओगे। अगर इस ख्याल से तुम नाम जपोगे कि तुम्हारे आप चले जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे। ये बात सच्ची है, इसमें बिल्कुल कोई दूर नहीं। मेरे साथ एक वाकया गुजरा, उन्हीं को बताई मैं, एक औरत जबलपुर से आई, उसके 3 बच्चे थे, खावन का चाहिए इंस्पेक्टर, वो त्रिकुटी में अभ्यास करती थी, लाल रंग के सूर्य में मेरी मूर्त प्रकट होती। तो वो कहने लगी, बाबा जी ये मेरे 3 बच्चे हैं, ये मुझे तंग करते हैं, अभ्यास नहीं करने देते, आप कृपा करके मेरे खामन को कहो कि मेरी मदद किया करे।
खाउन का सुबह 8 बजे नौकरी पर जाता है, रात को 9 बजे आता। मैंने कहा तेरी सास है नहीं, तेरी नंद है नहीं, तेरी माँ है नहीं। उसको तो मैंने ना कहा, मैंने वलीराम हकीम को कहा, मैंने कहा वलीराम एक बात कहूँगा कि हाँ, मैं क्या कि तीनों बच्चे मरेंगे। कहें क्यों? मैं क्या ये अभ्यास करती है त्रिकुटी में, इसकी विल पावर स्ट्रांग है, तो इसके ये बच्चों की तकलीफ से बचना चाहती है, इसके तीनों बच्चे मरेंगे। 9 महीने में तीनों बच्चे मर गए। मैंने कान को हाथ लगाया, मैंने कहा ये मैं बरसे ऐलान कहता हूँ, आजकल तो गुरु जो नाम देते हैं, जो नाम ही देते हैं लोगों को जहन देते हैं। नाम का अधिकारी है कौन? विषयों से जो हुए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके खोजित फिरे साथ गुर जागे। इसकी ये हालत है, उसको ये नाम रखना चाहिए। दूसरों के लिए मन के ख्याल को ठीक रखना चाहिए, अपने विचार को ठीक रखना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी बन जाए। और मगर मैं डरता मारा किसी को कहता नहीं था, क्योंकि आजकल तो ये मशहूर है जितने को नाम दिलवा दो उतना पुण्य तुमको है। मैंने कहा अगर मैं ये बात कहूंगा तो लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे, तो इतफाक से मैं आगे चला गया हजूर महाराज की समाधि पर, वहां से प्रेम वाणी ले आया। उस प्रेम वाणी में साफ लिखा हुआ है, जिनके मन गंदे हैं, अपनी गंदगी को रोक नहीं सकते या रोकते नहीं हैं, उनको ये शब्द व्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका सख्त नुकसान होगा। उनको क्या करना चाहिए? वो जो हदायत नामा है इसमें, भोजन थोड़ा खाओ तेरे भरे की कहूँ, कड़वा बचन मत बोल तेरे भरे की कहूँ, जीव दया तू पाल, ऐसे शब्द पढ़ो, जब मन ठहर जाए तब अभ्यास में रहो। अच्छा, ये तो उनके है। सनातन में शूद्र अगर गयत्री मंत्र सुन लो कि कान में सिक्का फाड़ दी, तो ऐसा लिखा हुआ है। कहते हैं लोग शूद्र वो नहीं जो चमार के घर में पैदा हुआ, शूद्र वो है जिसका मन गंदा है, खाए वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, खाए वो खत्री घर पैदा हुआ, जिसके मन में गला जाता है वो शूद्र है, उसको ये नाम नहीं देना चाहिए। हर चीज हर एक आदमी के लिए नहीं होती, वर्क क्या टाइम हो गया? अपने में व्रत पूजा वह परपंच पसारा हो, जैसे बध के ओट टाटी के दे विश्वास से चारा हो। शरीर कहता है कि जितने मत मतानते हैं ये मन, ये ऐसे हैं जैसे कि कसाई होता है। कसाई क्या करता है? बकरा ले आता है, उसको पहले खूब खिलाता है पिलाता है, नहीं समझ में आती है, मोटा हो जाए तो उसको फिर पैसे ज्यादा आ जाते हैं। कभी ये मिसाल देता है कि जिस तरह बकरे को इस तरह हलाल करते हैं, इस तरह ये मनुष्य रूपी है, ये उसको तरह तरह की लालचा देकर, आशाएं देकर, तरह पुकार करके इसको अपने जन्म मरण से निकलने नहीं देता। और ये ठीक है, हम दान देते हैं और ये खा हमको दान का फल मिले, बहुत अच्छा। तो दान का फल लेने के लिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुमने परोपकार में दान दे दिया इस ख्याल से कि भाई हमको दान का फल मिले, अगर इस जहान में नहीं मिला तो अगले जहान में दान का फल देने के लिए तुमको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, बच कह सकते हो? यह है इसका मतलब। दान दो, निष्काम होकर दो। दान इतना देना चाहिए जिससे हम टट्टी पेशाब जाते हैं, जरूरी है। दुखी को आता है तुम्हारे पास है, उसकी सिर पैसा दे दो। और देखो दान रोज क्या करो, मैं तुमको बता देता हूँ। अगर अपनी घर की ऊंची जाती हो तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, रोटी खाने लगते थे, काऊ के लिए अलहदा टुकड़ा रख देते थे, गाय के लिए अलहदा रख देते थे, कुत्ते के लिए अलहदा रख देते थे, और ब्राह्मण रोज हंडा ले जाता था। पीछे था ना रवाज, ये अब नहीं है। 2 पैसे निकालो, 4 पैसे निकालो, 5 पैसे निकालो, अपनी हकीर के मुताबिक रोज सच्चे दिल से दान निकाला करो।
रोज रोज के दान निकालने से तुम्हारा मन जो है ये पवित्र हो जाएगा। एक साल में 10 लाख रुपया दान कर दिया, सारा साल हेरा फेरी करते रहे, क्या फायदा, क्या कहा मैंने, सोचो। अभ्यास रोज करना चाहिए, बने खाए ना बने रोज करो। इस काम को रोज करते रहोगे वो आज थोड़े थोड़े बुराई करने लगोगे कठी बुराई हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी अच्छाई करोगे कठी अच्छाई हो जाएगी, एक दिन का काम नहीं है। तो ये है राह जो मैंने समझा। ये मन रूपी रंजन है सब कुछ खराब किया हुआ सब। सद्गुरु जी के रक्षक है, उनसे मेल करो, उनसे मिलो, उनकी संगत करो, उनकी बाणी सुनो, उनकी बाणी समझो, फिर तुम इस चक्कर से निकल सकते हो। मगर ये सच्चाई बयान कौन करता है, जो मैंने कहा है आपने सारे सत्संग, कोई महात्मा जो बात कहता है। पिछले जमाने में दस्तूर नहीं था, क्यों नहीं था, उस वक्त विदेशी राज था। कबीर ने खुद कहा है, सांस कहूं तो मारती ये चुरकानी जोर। स्वामी जी अंग्रेजों के राज में हुए, बाबा सावन सिंह दाता दास ये सब अंग्रेजों के राज में हुए, अब अपना राज। सिवाय सच्ची तालीम की हमारा मत भी इत्तेहाद हो नहीं सकता, न कोई राम बाहर से आता है न कृष्ण बाहर से आता है। तुम्हारी मर्जी, अपना विश्वास है, राम पर रख लो, कृष्ण पर रख लो, गुरु पर रख लो, जिसकी मर्जी रखो, तुम्हारे काम होते रहेंगे। आप उसमें झगड़ा कैसा, आप पार्टी से में हुआ क्या, हजरत अली क्या कहते, मुसलमानों ने हिंदुओं सिखों सिर काटे और इन्होंने शस्त्र या कार क्या कहे, जय हनुमान बजरंग बली क्या कहे।